रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनि को भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग अर्थात ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्व का वर्णन करते हैं तथा वैराग्य का दर्शन करते हैं। एक प्रकार भरी मार्ग नहाई मुनि सब के आश्रम जाही संबद्धति हो यनंदा मगर मति गाँव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मगर नहाए तब मुनि सार जाग बलि मुनि परम विवेकी भरा द्वार राखे पद देखी। एक बार पूरे मगर भर यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि मंगल हो संत राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ हे नाथ सेवक पर कृपा करके सज्ञानी का अज्ञान नाश की दिए। संत पुराणों और उपदेशों ने भी प्रभाव प्रदान किया है। संत जब संभव विनाशी शिव भगवान ज्ञानी आकर चार जीव जगानी काशी भरत परम पद सो भी राम महिमा मनिराया शिव उपदेश करत कर गाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज वह राम नाम की महिमा है क्योंकि शिव जी महाराज करते हैं इसी में उनको परम पद मिलता है। प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है हे कृपा निधि मुझे समझा के कहिए। एक राम अवधेश कुमारा दिन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लेह वह पारा भय रोग रण काहु मारा। एक राम तो नरेंद्र सर जी के कुमार है उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और होने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम सत्य धाम सर्वे प्रभु वही राम है और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं आप सब कुछ जानते हैं ज्ञान विचार कर जाइए। ऋषि भरद्वाज से स्वीकार जैसे मिटे मोर ब्रह्मारी कहो तो कथा नाथ विस्तारी जाग बलि के बोले मुस्काई तुम्हें विधि बोले हे ना। इस प्रकार से मेरा यह भारी पर याज्ञवल्क्य भी मुस्कुराकर बोले कि राम श्री रघुनाथ जी के प्रभु का राम अगर तुम मन ब्रह्मानी तो पाई तुम्हारी मैं जानी चाहो तुम मन वचन और कर्म से रघुनाथ जी के भक्त हो तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य में गुणों को सुनना चाहते हो इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। कात सुनऊं सादर मन लाई कहूं राम के कथा सुनाई महामोह मैं शेष विशाला राम कथा कलिकाल करावा। तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उस अज्ञान को नष्ट करने वाली भयंकर वाली राम कथा
कथा सच किरण समाना, संत चकोर करें यही पाना, ऐसे ही संशय की न पवानी, महादेव तब कहा बखानी। अर्थात श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान, वो सदा पान करते, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। मंगल भवन अमंगल हारी, कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हे तुझी, सुनि मुनि मिटहिं विषाद। मित्रों, भगवान श्री राम की पावन कथा, भगवान भोलेनाथ की श्री मुख कथा, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास अपने ग्रंथ, अपने पावन ग्रंथ जनजन के पवित्र पौराणिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस में करने वाले हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख अरविंद से, एक बार त्रेता युग मानी, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जगन भवानी, सुर जानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि मन सदा विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों कथाएं कहते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रहे, और फिर सती जी के घर कैलाश पहुंचे। तेहि अवसर भंजन मई धारा, हरि रघुवंश नीम है अवतारा, पिता वचन तहि राज उदासी, दंडक वन विचरत विनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साध वेश में दंडक वन। मंगल होने मंगल हारी, हृदय विचारत जात कर, यही दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो, प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने मरम शोभ, डरु लोचन लाल छी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात की गड़बड़ी दुर्बल उत्पन्न हो गई, परंतु सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में डर था, परम दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रामन मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की न चह साचा, जौन ही जाओ रहे पछतावा, करत विचार न बन बनावा, ए विधि भये सोच बसीसा, दे ही समय जाए दसीसा, लीन नीच मारी कोई कोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया, और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करिछल मूढ़ हरि वै दे, प्रभु प्रभाव तस्विदित न ते, मृगवध बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल कर श्रीराम से मृग के वासी प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम आए, और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। विरह विकल नरि रघुराई, खोजत विपिन फेर फिर दो भाई, कबहुं जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट किरह दुख ताके। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभुं दशरथ हजुर बिहारी, अर्थात श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज को भगवान भोलेनाथ की वही परम कथा सुनाते हैं जो उन्होंने माता पार्वती को सुनाई थी। यहाँ से रचना का सूत्र मिलता है। मित्रों, भगवान श्री राम की पावन कथा अलौकिक है, आध्यात्मिक है, मन को आनंद देती है। आज की कथा यही थी। अगले दिन 49वें दोहे के उपरांत की कथा बालकांड से सतत पढ़ी जाएगी, अनवरत पढ़ी जाएगी। आज की कथा यही पूर्ण करते हैं। बोले श्री रामचंद्र की जय। आइए भगवान भोलेनाथ का सुनाए की कथा पूर्णता को यहाँ आगे बढ़ाते हैं।